हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे आप सबको करा रही हूँ। यदि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस विजिट कीजिए। थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बेस्ट MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो BPSC टीयर 3 में मैंने 80 वीडियोज़ का प्रैक्टिस इंग्लिश हिंदी दोनों में कराया हुआ है। सभी वीडियोज़ को डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए, और मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करा रही हूँ और उसको भी करते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन है आज के सीरीज में और सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन जो है फ्रेडरिक लुडविग जान ने आरंभ किया था। एंड दोस्तों, जैसे कि जर्मनी में सारे शिक्षा का पितामह जान बर्नार्ड बेसडो को कहा जाता है, और जान बर्नार्ड बेसडो ने 1774 में डेसू नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला फिलेंथ्रोप्रियम की नींव रखी रूसो की विचारधारा पर। एंड जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्समर्स को। फ्रेडरिक गर्समर्स ने दो पुस्तकें लिखी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड खेल। फिर आता है फ्रेडरिक लुडविग जान, जो सारी शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति हुए। फ्रेडरिक लुडविग जान ने एक आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेकर व्यायाम क्षेत्र बनाया, जिसका नाम दिया गया टर्नप्लाच, यानी व्यायामशाला, जो 1812 में संपूर्ण जर्मनी में स्वीकृत किया गया। एंड फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी, और फ्रेडरिक लुडविग जान ने टर्नवेरियन आंदोलन चलाया। एंड उसके बाद जर्मनी में स्थान आता है एडोल्फ स्पीच का, जो सारी व्यायाम को सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाए, और एडोल्फ स्पीच ने जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था बूम टेंग। नेक्स्ट है, किस देश में शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में महसूस किया गया? तो दोस्तों, जो एथेंस काल था, वो भी उत्तर एथेंस काल, उसे स्वर्ण युग कहा जाता है, और वह ग्रीस में था, इसलिए वहाँ पे उत्तर एथेंस या एथेंस नहीं दिया है, तो प्राचीन ग्रीस आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता है? दोस्तों, जैसे कि भारत में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए IOA है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसी तरह प्रत्येक देश में ओलंपिक आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए सबका अपना राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा NOC, यानी नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट है, ओलंपिक सिंबल की रूपरेखा किसने तैयार की? ओलंपिक प्रतीक चिन्ह यानी कि तिरंगा झंडा जो है, रूपरेखा बैरन पीरे डी कोबर्टिन ने 1913 में तैयार किया, और इसको प्रथम बार फहराया गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल की अवधारणा किसने दी? तो कार्ल डाइम ने ओलंपिक मशाल की अवधारणा प्रस्तुत की, और सबसे पहले मशाल चलाया गया 1928 एमस्टर्डम में, फिर आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल जलाया गया।
नेक्स्ट है, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण हुआ? तो यह 1936 बर्लिन जर्मनी ओलंपिक में पहली बार दूरदर्शन पर ओलंपिक का सीधा प्रसारण हुआ। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी औपचारिक रूप से शामिल किए। तो दोस्तों, जैसे कि ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहले प्रतिभाग किया 1935 फ्रांस में, तो यहाँ पे 1935 फ्रांस होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है कि ओलंपिक खेलों में महिला प्रतिभागी औपचारिक रूप से शामिल किए गए। तो यहाँ पे आंसर दिया है दोस्तों, आंसर दिया है स्टॉकहोम 1912। तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन में है दोस्तों, क्योंकि ओलंपिक की महिला सबसे पहले प्रतिभाग की 1935 फ्रांस में, यहाँ पे दिया है औपचारिक रूप से, तो हो सकता है कि स्टॉकहोम 1912 होगा, कंफर्म हम नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कंकाली पेशी यानी स्केलेटल मसल्स को अस्थियों से संलग्न करता है यानी कि जोड़ता है? तो दोस्तों, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि टेंडन्स जो होता है वो स्केलेटल मसल्स को अस्थियों से जोड़ता है, लिगामेंट्स जो होता है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ों पर जोड़ता है। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज देख सकते हैं, स्नायु यानी मसल्स, एक्टिन जो होता है और मायोसिन, ये दोनों मसल्स के तंतु यानी कि फाइबर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कंकाली पेशी को अस्थि से संलग्न करता है टेंडन, तो यहाँ पे स्नायु रज्जु यानी कि एचिलिस टेंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्नायु जोड़ती है, स्नायु यानी कि यहाँ लिगामेंट की बात हो रही है, तो लिगामेंट जोड़ती है अस्थि को अस्थि से जोड़ों पर, यहाँ पे अस्थि को अस्थि से राइट होगा। नेक्स्ट है, शरीर की कौन सी पेशी फेंकने वाली पेशी होती है? तो दोस्तों, जो हमारे वक्ष पर पाई जाती है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो है, बृहद पेशी भी इसको कहा जाता है, इसका मतलब सबसे बड़ी मांसपेशी मत समझ लीजिएगा, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्हे की होती है, और सबसे लंबी सार्टोरियस, सबसे छोटी कान की स्टेपीडियस, सबसे मजबूत निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। तो यहाँ पे इसको बृहद पेशी बोला जाता है, नाम यही इसका है पेक्टोरलिस मेजर का। तो बॉक्सर मसल, फेंकने वाली मसल, थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है पेक्टोरलिस मेजर को, जो वक्ष पर पाई जाती है। बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटेरियर को, एंड्रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को, स्विमर मसल्स डेल्टॉइड या लैटिमस डोर्सी को, थ्रोइंग मसल्स पेक्टोरलिस मेजर, टेलर मसल्स सार्टोरियस, एंड मलखम या रेडन मसल्स एडक्टर मंगस, लिफ्टर मसल्स डेल्टॉइड मसल्स, एंड कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनेमियस, राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोला जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, कोशिका श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट यहाँ पे केंद्रक दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है केंद्रक, ठीक है, कार्यों का, जबकि कोशिका का श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा पूछ दिया है। यहाँ पे कोशिका के कार्यों का, समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। निम्न में से कौन मास्टर ग्लैंड यानी प्रमुख ग्रंथि कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे इसलिए कहलाता है दोस्तों क्योंकि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का ऑक्सीकरण किसमें होता है? तो दोस्तों, रक्त जाके कहाँ पे शुद्ध होता है? तो पल्मोनरी धमनी जो है उसको फेफड़ों में ले जाती है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए, फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं निलय में अलिंद में जाता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, उसके बाद समस्त अंगों में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी लार्जेस्ट मसल्स होती है, तो हमारे नितंब यानी कि हिप में पाई जाती है। नेक्स्ट, कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन है? तो कोशिका को कार्यों को, समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है केंद्रक, जिसमें क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आरएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी चीज को फेंकने में कलाई के आकुंचन में कौन सी पेशी सम्मिलित नहीं है? आकुंचन यानी कि फ्लेक्शन में, तो यहाँ पे
फ्लेक्सर मसल्स तो आकुंचन हो रहा है तो फ्लेक्सर मसल्स ही होगा, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियल्स एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम ये दोनों सम्मिलित है किसी चीज को फेंकने के लिए, कलाई को मोड़ने में यानी आकुंचन करने में, बट टेरेस मेजर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है स्कंधीय मेखला का अग्र झुकाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमारा जो स्कंध वाली कंधे और वक्ष वाला भाग है उसको आगे की तरह अगर झुकाएंगे तो पीछे जो है निकल जाएगा कुबड़े की तरह, तो उसे काइफोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा पूछ क्या रहा है दोस्तों। काइफोसिस को घुमावदार पीठ, कुबड़ा एंड राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। और जब अग्र कुब्जता या पश्च कुब्जता भी इसको बोला जाता है, यानी आउटवर्ड कर्वेचर हो जाता है। और इनवर्ड कर्वेचर यानी कि जो हॉलो बैक जो होता है, लार्डोसिस जिसे बोला जाता है, उसमें जो है कमर वाला भाग नीचे धंस जाता है और पेट बाहर निकल जाता है, यानी कि अग्र कुब्जता बोला जाता है लार्डोसिस को। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा दाब परिचालक की विधि है। दाब परिचालक यानी कि ये मसाज की बात कर रहा है। तो मसाज चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, सैकिंग, यानी कि सहलाना, दबाना, थपथपाना, झरझरना। इसमें से जो प्रेशर होता है, दबाव के हस्तकर्षण विधि, वो तीन प्रकार की होती है, नीडिंग यानी गूथना, पेटिसाज यानी चुकूटना, फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो यहाँ पे गूथना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाहरी बल से आंशिक सहायता, पार्टियल असिस्टेंस फ्रॉम एंड आउटसाइड फोर्स को यह भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ARON एरोम कहा जाता है, ठीक है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है फुल फॉर्म दोस्तों। तो ARON एरोम का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, जो एक बाहरी बल से आंशिक सहायता मतलब बहुत कम मात्रा में सहायता लेता है, तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और जब बाहरी बल से सहायता लेगा तो वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो जाएगा, PROM, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, जो रोगी सक्रिय रूप से व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाए गए व्यायाम का है। तो जो नहीं कर सकते सक्रिय रूप से उनके लिए पेसिव रेंज ऑफ मोशन यानी कि प्रोम किया जाता है। तो प्रोम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, एरोम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, अप्रोम पेसिव रेंज ऑफ मोशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दुर्बल मांसपेशियों वाले रोगियों के लिए और संधि पीड़ा के कारण सीमित संचरण की स्थिति के लिए व्यायाम है। तो इसके लिए व्यायाम है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन AAROM, ठीक है दोस्तों। ये तीनों चीजें याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट है, शिरोबंद के तल पर संधियों का संचलन लेकिन तल से दुर्गमन को क्या कहा जाता है। तो तल से दुर्गमन की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि एबडक्शन हो रहा है, शरीर से दूर ले जाना एबडक्शन होगा, अपावर्तन, और शरीर के तरफ वापस लाना उसको एडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई अपने पैरों को सीधा करता है तो उसे कौन सी गति कहेंगे। दोस्तों अगर मोड़ता है तो फ्लेक्शन कहेंगे, अगर सीधा करता है तो उसे एक्सटेंशन यानी कि विस्तारण कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। तो शारीरिक मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान का शारीरिक पहलू को अध्ययन करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस 25 क्वेश्चंस ही थे, एंड आई होप कि ये 25 क्वेश्चंस आपको कुछ सिखाया होगा, और कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें से आ ही जाएगा। और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सभी मूल चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, सभी बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।